व्हाट इज अप गाइस, तो क्या हालचाल है। और आप सभी ने टॉम एंड जेरी और शिनचैन तो बहुत ज्यादा देखा होगा, मैंने भी देखा है, मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मैं अभी भी देखता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि काफी लोग के मन में ये क्वेश्चन आता है और पूछने की वो सोचते, लेकिन कभी कमेंट नहीं करते हैं वो लोग, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आज आपको बता दूं कि जो टॉम एंड जेरी में जो इंसान है उसके जो फेस, उनका जो फेस है उसको कट क्यों किया गया है और क्या रीजन है उसके पीछे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो टॉम एंड जेरी को जो बनाने का जो प्रोस्पेक्टस था कुछ अलग था, ठीक है। और जो उसमें इंसान थे उनका फेस इसलिए कट कर दिया गया क्योंकि जो मेन कैरेक्टर थे जो टॉम एंड जेरी और जो डॉग, जो कुछ डॉग थे, तो मेन तो वो थे, मेन कार्टून कैरेक्टर कौन था, टॉम एंड जेरी। तो वो लोग जो वीडियो शूट करेंगे तो मेन अपने को दिखाएंगे, वो क्यों मतलब कहीं इधर कहीं उधर थोड़ी दिखाएंगे, वो अपने मेन जो उनका जो मेन कार्टून कैरेक्टर है, जो मेन पर्सन है वहां पर, वो उनको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और अगर जो इंसान था और अगर वो कैमरे को इंसान की तरफ लेकर जाएंगे तो जो मेन कार्टून कैरेक्टर है टॉम एंड जेरी है वो छोटे हो जाएंगे, वो नहीं दिखेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने इंसान के फेस को कट कर दिया गया। और मैं आपको बता दूंगा, टॉम एंड जेरी काफी पुराना कार्टून है, 1980s और 1990s का वो कार्टून है, और उस वक्त एनिमेशन बनाना उतना आसान नहीं था, और कंप्यूटर और जो भी एनिमेशन वाले जो मशीन थी वो इजीली अवेलेबल नहीं होती थी, राइट। और मैं बताने वाला हूँ शिनचैन के बारे में भी। शिनचैन एक गाइस छोटे बच्चों का कार्टून नहीं है, वो एक अडल्ट कार्टून है, और उसे 2018 में इंडिया में बैन भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में वो आ गया। और अभी तो गाइस टॉम एंड जेरी में तो जो भी जो टॉम एंड जेरी है वो बोलते भी हैं, क्योंकि अब तो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ठीक है, अब तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और हाँ, शिनचैन, गाइस शिनचैन भी बहुत ही जापानीज कार्टून है, काफी पुराना कार्टून है, और शिनचैन में ऐसे काफी सारे एपिसोड हैं, एपिसोड्स थे जिन्हें डिलीट कर दिया गया, जिन्हें हटा दिया गया, क्योंकि उसमें उन्होंने गलत सेंटेंस और गलत इशारे कुछ भी बहुत कुछ किए थे। और हाँ, आपने देखा होगा शिनचैन के पापा को, वो जब आते हैं तो बोलते हैं मिक्सी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे जूस ला के दे दो। तो मैं आपको बता दूं कि गाइस जो वो जूस बोलता है वो जूस नहीं होता है, सबसे पहले तो वो दारू होता है, ठीक है, अल्कोहल होता है, दिस इज द अल्कोहल। और वहां पर जूस इसलिए बोला गया कि अब जो बच्चा देख रहा होगा टीवी में शिनचैन को, ठीक है, और अगर उसके पापा आके बोलेगा मिक्सी जूस दे दो, तो जो बच्चा है वो तो अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि पापा में जूस क्या होता है, तो उसके क्या पापा में ये बोलेंगे कि बेटा वो दारू पीता है, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। तो इसीलिए वहां पर उसे जूस बोला गया। और जो जो शिनचैन के जो फादर के जो यहाँ पे लकीरें बन जाती है पर्पल पर्पल टाइप में, जो रेड रेड टाइप में होती है, वो दारू पीने के बाद ही होती है, ठीक है, मतलब जूस पीने के बाद होती है, ठीक है। और जिन्होंने शिनचैन को काफी ज्यादा देखा है, जो काफी उसके फैन हो चुके हैं, वहां पर मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि जो शिनचैन के जो आपने फेस देखा होगा कि उसका फेस यहीं से बाहर निकल गया, ठीक है, उसकी मम्मी का जो मिक्सी नोहारा है उसका बाल बाहर निकल गया है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि गाइस उस वक्त एनिमेशन बनाना उतना आसान नहीं था, ये भी गाइस बहुत पुराना कार्टून है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो शिनचैन जो लगाता है ये एक्शन कामिन का जो जो सीडी, वो वीसीआर का होता है, और गाइस वीसीआर काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बता दूं, गाइस वीसीआर है ना जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, और वो उस वक्त का जो कैसेट था उसको लगा के दिखता था। और आपने देखा होगा शिनचैन के प्रिंसिपल को, उसका प्रिंसिपल बोलता है शिनचैन बेटे क्या कर रहे हो, मतलब अजीब तरीके से बोलता है ना। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा उसके कोट में कि जो उनकी धारियां लगी होती हैं, उसका एक येल्लो कोट है, ठीक है, उसकी धारी जो लगी होती है, अगर वो ऐसे कर ले, ठीक है, ऐसे कर ले, तो उसकी धारी मुड़ती नहीं है, क्यों, क्योंकि गाइस वो
एनिमेशन से बनाया गया है। और मैंने आपको बोला कि उस वक्त एनिमेशन बनाना इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि और हाँ, शिनचैन एक 5 साल का बच्चा होने के बाद वो काफी गंदी गंदी चीजें बोलता था, गलत गलत इशारे करता था, ठीक है। आपने देखा होगा वो काफी लड़कियों के सामने जाके कुछ ना कुछ अंटसंट बकता है, ठीक है, तो वो गलत ही करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि टॉम एंड जेरी में जो इंसान का जो फेस है उसको क्यों कट कर दिया गया, और शिनचैन के बारे में आपको बता दिया। आई होप यू गाइस कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव के साथ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।